अगला है, लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं कि रिलेशन का बेसिक्स, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, और आज डिस्कस करने जा रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या होता था वो, मतलब 1 1 2 2 3 3, मतलब खुद पहला पेयर, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट ऑर्डर पेयर में सेम रहे तो सबके सब आने चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। अब सिमेट्रिक समझाते हैं आपको, सेम सेट ऑफ एग्जांपल्स लिया है। और सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या है कि अगर हमारे रिलेशन में ए कॉमा बी आ गया, ए कॉमा बी अगर हमारे रिलेशन में आ गया तो बी कॉमा ए भी उसके अंदर आना चाहिए। भाई ए कॉमा बी आ गया तो बी कॉमा बी भी आना चाहिए, अगर नहीं आएगा काम नहीं बनेगा। ठीक है, चल बात करते हैं, समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। फिर से यहाँ एक सेट देगा आपको हमेशा, टी वी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। टी क्या है, सेट है सारे ट्राइंगल्स का। पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो, ऐसे हो सकता है समझ में ना आए, समझ में आ रहा है मतलब आपका बेसिक पहले से आता है, नहीं आता है तो पहले वाला देखो। अब T है T1, T2, T3 एंड सो। अब R है T1, अब ये रिलेशन फिर से वही T क्रॉस T हमने कर दिया। कहाँ किया, मन में किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है टिक ही तो करना है। अच्छा, T1 और T2 कॉन्ग्रेंट होंगे तब इसके अंदर आएंगे। अब बताओ, बोला क्या, अगर ए कॉमा बी आ गया तो बी कॉमा ए आना ही चाहिए। और तो मान लो ये दोनों ट्रायंगल, सपोज T1 T2 आ गया, कोई आ गया, T1 T2 कॉन्ग्रेंट है, सपोज कोई भी है, मतलब हमने क्रॉस किया उसका कोई एक एलिमेंट उठा लिया, सपोज T1 T2 बिलोंग्स टू R, वो R में आ चुका है, तो क्या T2 T1 भी R में आने का गारंटी है? क्या T1 T2 आ गया तो T2 T1 भी आने का गारंटी है? हाँ यार, गारंटी। क्यों T1 T2 क्यों आया है, क्योंकि T1 और T2 कॉन्ग्रेंट होंगे, रिलेशन का डेफिनेशन है, इसलिए T1 T2 रिलेशन में आएगा। अगर ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 का कॉन्ग्रेंट होगा तो ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 का कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, इसमें पहला एलिमेंट दूसरे का कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तभी यहाँ तो T1 T2 का कॉन्ग्रेंट था तो T2 भी T1 का कॉन्ग्रेंट होगा। अगर कोई भी एलिमेंट T1 T2 आ गया, XY आ गया, तो YX आने का गारंटी है इस डेफिनेशन में। अगर X कॉन्ग्रेंट है Y के तो Y भी कॉन्ग्रेंट होगा X के। सो दिस रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। समझ रहे हो ना बात को, धीरे धीरे और अच्छे से पता चलेगा आपको। अच्छा, अब यहाँ है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। अब एक प्लेन है, उसमें जितनी भी लाइन्स आ सकते हैं सारा का कलेक्शन है ना। एक प्लेन है उसमें आरा, तिरछा, ऐसे बहुत सारा लाइन, सारे का कलेक्शन है ये। से लाइन 1 उसका नाम रख देते हैं, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, बहुत सारा लाइन है आरा तिरछा दोनों। अब L क्रॉस L किया, चूंकि हमें रिलेशन क्या हुआ होगा, L1 को खुद को खुद के साथ क्रॉस, L1, L2, L1, L3 एंड सो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। अब बोला कि ये रिलेशन कैसा है, वही इनमें से वही एलिमेंट सेलेक्ट होंगे जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे के पैरेलल है। भाई पहला एलिमेंट दूसरे के पैरेलल हो गया तो वो R1 में आएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव मतलब जैसे L1 है तो L1, L1, L1 आना ही चाहिए, L2 अगर इस सेट में है तो L2, L2 आना ही चाहिए, L3 इस सेट के अंदर है तो L3, L3 आना ही चाहिए। तो क्या इसमें L1, L1 आएगा? क्या है क्राइटेरिया, जो भी आए उसमें पहला वाला दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो क्या इसमें L1 के पैरेलल है? कोई लाइन
खुद के पैरेलल होता है। हाँ हाँ जी होता है ना। L2, L2 भी आ जाएगा भाई? हाँ आ जाएगा सर। L3, L3 भी आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। क्या सारे इस तरह के भी आ जाएंगे? सारे लाइन खुद के साथ आ जाएगा? हाँ। कोई छूटेगा भी नहीं? एक्स्ट्रा आ सकता है? हाँ हो सकता है। L1, L5 भी पैरेलल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें मतलब है कि वही एलिमेंट जो भी सेट के अंदर है, L1, L1, L2, L2, L3, L3 आना चाहिए। हाँ दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का क्या डेफिनेशन है? अगर ए कॉमा बी आ गया तो बी कॉमा ए आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा, एक जगह भी मिस्टेक होता है, तो हम बोल देंगे रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो जरा देखते हैं। अब मान लो R1 के अंदर L1 L2 आ गया, R1 के अंदर L1 L2 आ गया, तो क्या L2 L1 भी आएगा? क्या इस बात का गारंटी है? यार डेफिनेशन क्या है कि ए वाला एलिमेंट इसके पैरेलल होगा तभी इसका। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं होगा? अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल नहीं होगा? हाँ होगा ना, 100% होगा। मान लो L2 L6 आ गया, मतलब L2 L6 के पैरेलल है, तो क्या L6 L2 के पैरेलल नहीं होगा? L6 L2 भी आ गया। हमेशा अगर एक्स वाई आ गया तो वाई एक्स भी आ गया। सो दिस रिलेशन R1 इज ऑल्सो सिमेट्रिक ऑल्सो। R1 इज सिमेट्रिक ऑल्सो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक छोटा सा बात है याद आ गया, मैं तुमसे पूछता हूँ। अब ये बताओ, एक पेज लेते हैं। अच्छा पॉइंट है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया, बताना ही पड़ेगा। पेज लेना पड़ेगा और अच्छा पॉइंट बताना पड़ेगा। क्या है अच्छा पॉइंट? अब मैं कोई भी सेट है बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान देना। मान लो ये L1 पैरेलल L2, मैं उसी का बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसी का। इसमें मैं बोल दिया एक रिलेशन R3 है जो कि फाई है। R3 एक रिलेशन फाई है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? फाई मतलब क्या? कुछ भी नहीं उसके अंदर। क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव क्या होता है? L1 L1 आना चाहिए, L2 L2 आना चाहिए, L3 कोई भी छूटना नहीं चाहिए, इसमें कोई भी नहीं आया। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव? नो, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। क्या एम्प्टी रिलेशन इज असिमेट्रिक रिलेशन? अच्छा सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? अगर ए क्रॉस ए कॉमा बी आएगा तो बी कॉमा ए आना चाहिए। अगर ए कॉमा बी आएगा तो बी कॉमा ए आना चाहिए, इस बात का गारंटी है। इसमें तो कोई भी नहीं आया, गुस्सा कब आता है इसको? 2,1 है, 2,1 आया है, 1,2 भी आना चाहिए यार, गुस्सा जाएगा ये सिमेट्रिक होने के लिए। 5,4 आया है, हाँ 4,5 भी होना चाहिए। अगर नहीं आया बोले सिमेट्रिक नहीं है, थोड़ा थोड़ा सिमेट्रिक नहीं। अब की बार देखेगा कि क्या है वो, कुछ कोई आया कोई ना आया तो क्या बोलेगा? कोई नहीं आया तो कोई नहीं आया का रिवर्स आना चाहिए? नहीं यार, कोई नहीं आया तो गुस्सा किस बात का? इसका कहना है अगर ए आएगा तो वो आना चाहिए, अब कोई आया नहीं तो बैठा रहेगा, नो प्रॉब्लम, नहीं गुस्सा होगा, है ना। गुस्सा तब होता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे आप जानते हो, वही बात है ना। नहीं कोई है तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ऐसा सॉन्ग है, वही बात है ना। 1,2 आया, 2, नहीं आया तो मुश्किल होगा। अदरवाइज किसी को न चाहो कोई बात नहीं, कोई नहीं है कोई बात नहीं, हैप्पी रिलेशन इज सिमेट्रिक, इंपॉर्टेंट है। एम्प्टी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब R2 रिलेशन देखो, L1, L2 ये रिलेशन, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब उसमें वही आएंगे जो दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे,
तो पहले मैं आपसे पूछता हूँ, ये रिलेशन आर टू है, ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है क्या? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए एल वन कॉमा एल वन, इसमें आना चाहिए। तो ये कब आएगा? डेफिनेशन क्या है? पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या बताओ, एल वन एल वन के परपेंडिकुलर होता है क्या? नहीं, एल वन आ ही नहीं सकता, एल टू आ ही नहीं सकता, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? अच्छा, आर टू सिमेट्रिक है। मान लो इसका बोले अगर कोई आया तो दूसरा भी आना चाहिए। मान लो इसमें एल वन कॉमा एल टू आ गया, क्या इस बात का गारंटी है कि एल टू कॉमा एल वन भी आएगा? मान लो ए एल वन ए एल टू परपेंडिकुलर, अगर एल वन एल टू के परपेंडिकुलर है तो एल टू भी एल वन के परपेंडिकुलर है, गारंटी है इस बात का। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी ए के परपेंडिकुलर होगा, तो ए ऑलवेज आएगा। अगर एल वन एल टू आएगा तो एल टू एल वन भी आएगा। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। बात समझ पाए? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर है एक रिलेशन ए, सेम है हमने लिया। क्या है रिलेशन? रिफ्लेक्सिव का तो बात कर चुके हैं इस पे लास्ट लेक्चर में, आज सिमेट्रिक की बात कर। क्या ये सिमेट्रिक है? इनको तो छुए ही मत, इनके बारे में मत सोचो। क्या बोलता है सिमेट्रिक वाला? क्या बोलता है? ए कॉमा बी आए तो बी कॉमा वन आना चाहिए। तो कोई टाइम वेस्ट करेगा? वन कॉमा वन आया है ना, वन कॉमा वन आया तो ए आया है तो वन कॉमा वन भी आना चाहिए, उसको पलट के भी आना चाहिए। क्या फायदा? वो तो आएगा ही आएगा ना, वो तो वही आ जाता है। तो इन तीनों को मत लो। अब वन टू आया है तो टू वन आना चाहिए, है क्या? नहीं, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर में भी देखा था रिफ्लेक्सिव देखने के लिए इसको। चलो हम जरा बताते हैं क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है? अच्छा, तो सिंपली है कि अगर ए कॉमा बी इसमें आया तो बी कॉमा ए भी इसमें आना चाहिए, नहीं आएगा तो गुस्सा हो जाएगा। ए कॉमा बी आया है मान लो, तो ए कॉमा बी आया है मतलब क्या, ए माइनस बी डिविजिबल है किससे? डिविजिबल बाय टू। तो ए माइनस बी डिविजिबल बाय टू होगा, तो क्या इस बात का गारंटी कि बी माइनस ए भी होगा? आप सिंपली सोचो ना कि 9-5 डिविजिबल, मान लो 9.5 आ गया इसमें, तो 9.5 कब क्यों आया होगा कि 9-5=4, 4 डिविजिबल है किससे? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9-5 अगर 4 है तो 5-9 कितना आएगा? कुछ नहीं आएगा यार, -4 आएगा, बस नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अगर मान लो 13-5 8 है तो 5-13 क्या होगा? a कॉमा b आया तो a माइनस बी आ गया 8, तो b माइनस ए क्या? -8। और हमें पता है अगर 8 डिविजिबल है तो -8 भी होगा। तो a कॉमा b डिविजिबल होगा तो b कॉमा a भी आएगा, क्योंकि a माइनस बी डिविजिबल है तो b माइनस ए भी होगा। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, यस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिंपल है, ऐसे करके सोचना है, समझ रहे हो ना बात को? नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या है, यहाँ थोड़ा समझना है। ये ना कुछ इस तरीके से बात करता है। पहले तो हम रिफ्लेक्सिव में बात क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्सिव में बात कर रहे थे कि T1 आना चाहिए। सिमेट्रिक में बात क्या कर रहे थे, ए कॉमा बी आया तो बी कॉमा ए आना चाहिए, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा यहाँ। अब ट्रांजिटिव में क्या, ए बोला ए कॉमा बी आया, अभी भी इसको कोई टेंशन ना, बोला ठीक है जय जय मजे में। अच्छा, ए कॉमा बी आ गया, अब ये बी पे ख़त्म हुआ ना, कोई मान लो ए कॉमा बी आ गया, अब ए बी आपको आगे ले लो, बी कॉमा सी भी आ गया, अब ये अलर्ट हो जाएगा। देखो आगे चेक करो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ए कॉमा बी आया, बी पे खत्म हुआ, बी से शुरू हुआ, ए कॉमा बी आए, बी कॉमा सी आए, तो ए बोलता है तो ए कॉमा सी भी आना चाहिए भाई। ए कॉमा सी मतलब क्या, ए और ए भी होना चाहिए। ए कॉमा बी आया, कोई टेंशन नहीं, अभी तो गुस्सा नहीं होगा। जब भी कोई एलिमेंट्स बी से शुरू होगा, बी कॉमा सी आ गया, ओ तो पहला और तीसरा भी आना चाहिए, नहीं तो मना कर देगा, ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, चलो अब एनालाइज करते हैं।
सेम एग्जांपल, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। टी एक सेट है सारे ट्राइंगल का किस में, प्लेन में। तो आप टी क्रॉस टी कर लिए होंगे। अभी ट्रांजिटिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की बात हम लोग कर चुके हैं। अगर कोई रिलेशन मान लो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो उसके लिए उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तीनों है इक्विवेलेंस, एक भी नहीं है इक्विवेलेंस है। तो क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव था? हाँ, हम लोग चेक कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है। अब हमें ट्रांजिटिव की बात करना है। ट्रांजिटिव क्या बोलता है? मान लो T1, T2 इसमें आ रहा है इस रिलेशन में, मतलब क्या है, T1 और T2 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। और इसको और मान लो T2, T3 भी आ गया, मान लो आ गया, मतलब T2 कॉन्ग्रुएंट है किसके, अब इस अलर्ट हो जाएगा कि T1, T2 आया आ गया, T2 से आगे सिर्फ T2, T3 आ रहा है। बोलेगा T1, T3 भी आना चाहिए, क्या बताओ, अगर T1, T2 आ गया, T2, T3 आ गया, तो इस बात का गारंटी है क्या कि T1, T3 भी आएगा क्या? क्या इस बात का गारंटी है कि T1, T3 भी आएगा? कैसे गारंटी है? T1, T2 कॉन्ग्रेंट है, T2, T3 कॉन्ग्रेंट है, तो क्या T1, T3 भी कॉन्ग्रेंट होगा? ऑब्वियस बात है, ए बी के कॉन्ग्रेंट, बी सी के कॉन्ग्रेंट, तो ए सी के कॉन्ग्रेंट, इस बात का गारंटी है। अगर T1, T2 आएगा, T2, T3 आएगा, तो T1, T3 भी आएगा हमेशा। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बोलने में अपने को डर लगेगा क्या? ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो अब इसको देखते हैं, R1, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। R1 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव होता है, होगा क्या? मान लो सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहाँ झगड़ा हो, नहीं हो पाए, तो L1, L2 आ गया, अभी तक ये सो रहा, कुछ देर बाद पता चला L2, L3 भी आ गया, अब बोला नाना अलर्ट हो जा भाई, L1, L2 आया, L2, L3 आ गया, तो अब L1, L3 भी आना चाहिए। तो L1, L2 आया क्यों भाई? L1 पैरेलल था किसके, L2 के। L2, L3 क्यों आया भाई? L2 पैरेलल था L3 का। तो L1, L3 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए किस पे डिपेंड करेगा? अगर L1, L3 के पैरेलल होगा, अब L1, L2 के पैरेलल है, L2, L3 के पैरेलल है, तो क्या L1, L3 पैरेलल नहीं होगा? इस बात का गारंटी है कि AB आएगा एंड BC आएगा तो AC आएगा, गारंटी है। सो दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव एंड तीनों हो गए, इसलिए रिलेशन इक्विवेलेंस भी हो गया भाई, ठीक है। अब सेकेंड की बात करते हैं, R2। ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होता, सिमेट्रिक होता है। क्या ट्रांजिटिव होगा? क्या ट्रांजिटिव होगा? चलो झगड़ा करा के देखते हैं, झगड़ा करा के देखते हैं, आराम से वो बैठा हुआ है, मैं बोले आ गया एक बंदा, आ गया एक बंदा, आ गया, क्या आया भाई? L1, L2 क्यों आया? ये क्यों आया तू? डेफिनेशन है L1 परपेंडिकुलर टू L2। अच्छा, अभी तक इसको कोई टेंशन नहीं, ट्रांजिटिव वाले को सो रहा है मजे में, अब L2, L3 भी आ गया, अब इसकी आँख खुलेगी, यार ये टेंशन हो रहा है, क्या L1, L3 आना चाहिए, L1, L3 आना चाहिए, अच्छा चेक कर लेते हैं यार आएगा नहीं आएगा, देखते हैं। क्या है, L1 एक लाइन है जो L2 के परपेंडिकुलर है, ये L1 है, ये L2। अब एक लाइन ऐसा L3 आया जो L2 के भी परपेंडिकुलर है, ये आ गया L3, तो L1 L3 आ गया क्या? तो L1 और L3 भी एक दूसरे क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। अरे ये तो पैरेलल हो गया, तो नहीं आएगा ना, ये नहीं बिलोंग करेगा। अगर L1, सोचो सिंपल,
L1 L2 के परपेंडिकुलर है, और तीसरा लाइन लेना है जो L2 के भी परपेंडिकुलर हो, तो L1 L3 पैरेलल हो जाते, परपेंडिकुलर नहीं, और L1 L3 तभी इसमें आएगा जब वो परपेंडिकुलर होगा, जो कि रिलेशन का डेफिनेशन है। तो ये दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस नॉट इक्विवेलेंस। पहले भी रिफ्लेक्सिव नहीं था तो इसलिए वो ट्रांजिटिव पहले भी नहीं होता, और भी कट गया, मतलब इक्विवेलेंस नहीं होता और अब और भी कट गया। अब यहाँ पे एक सेट है ए 1, 2, 3, बोला R3 एक रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 ऐसे। क्या है रिलेशन? रिफ्लेक्सिव तो था, सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में अपने को क्या करना है, 1, 1 आया तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से शुरू होने वाला कोई है, हाँ ट्रांजिटिव में फिर से 1, इनको नहीं देखना, तो इससे टाइम वेस्ट होगा। तुम यहाँ से आओ, 1, 2 आया, 2 से शुरू होने वाला और भी कोई है, इधर मत जाना, ये बराबर वाले को छोड़ देना, 2 से शुरू होने वाला 2, 3 है, 1, 2 आया, 2, 3 आया, तो क्या होना चाहिए था, और 1, 3 आना चाहिए, 1, 3 इसके अंदर है क्या, नहीं है, सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे करके सारे चेक करने पड़ेंगे हमको, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा होमवर्क है, बताना ट्रांजिटिव है कि नहीं। इसे मैं आंसर बता दे रहा हूँ, यस दिस इज ट्रांजिटिव, हेंस दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। तुम अपने एंड पे इसको ट्राई करना, चल ठीक है, बाय बाय।